बंद कीजिएगा, कैमरा छीनिएगा, आप बंद कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं रचनी। गिरती बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा मुद्दा है। आए दिन शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की कहानी सुनने को मिलती रहती है। स्कूलों में खाली सीटें होने के बाद भी गरीब और जरूरतमंद छात्रों को सीट नहीं मिल पाती। कारण, छात्रों की सीट पर स्कूल प्रशासन के पदाधिकारियों का कब्जा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोकारो के ऐसे ही स्कूल की, जहाँ स्कूल प्रिंसिपल ही छात्रों को मिलने वाले अधिकारों का हनन कर रहा है। बंद कीजिएगा, कैमरा छीनिएगा, आप बंद कीजिएगा। पढ़ना हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यालय में नामांकन होना। इस बात को बोकारो जिला के शिक्षक समझने को तैयार नहीं है। जहां शिक्षा के अधिकार का हनन खुद स्कूल प्रिंसिपल कर रही हो, वहां कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया। उच्च शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय, जो आजादी के वर्ष 1947 में स्थापित हुआ था, इस उद्देश्य के साथ कि क्षेत्र के युवा शिक्षित हों और अनपढ़ ना रहें। जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर आसपास के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए यही एकमात्र विद्यालय है। यहां पढ़े पूर्व छात्र आज उच्च पदों पर पदस्थापित हैं, कई प्रशासनिक पद पर भी कार्यरत हैं, क्योंकि उस वक्त छात्रों के मौलिक अधिकार शिक्षा का हनन नहीं होता था। लेकिन आज छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, वो भी खुद स्कूल प्रबंधक के द्वारा। स्कूल के एडमिशन के लिए छात्र रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहकर टाल दिया जाता है कि स्कूल सीट्स फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए हम लोग आ रहे हैं, 11 में एडमिशन करवाना है, आ रहे हैं, गरीब घर से बच्चा है, यहाँ पे एडमिशन ले नहीं रहा है, तो हम लोग जब यहाँ एडमिशन लेगा नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे करवाने के लिए। यहाँ पे सीधा सीधा बोला जा रहा है कि सीट फुल हो चुका है, हम और बच्चा नहीं ले सकते हैं। बस यही कि हम लोगों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर और अदर, जैसे कि सरकारी स्कूल तो नहीं है और ना ही तो यहाँ ऐसा कॉलेज या तो फिर ऐसा स्कूल है, जिसके वजह से हम लोग ना तो यहाँ एडमिशन करवा नहीं सक रहे और ना ही तो बाहर जाने का कोई हम लोग को घर से अनुमति मिल रही कि बाहर, जैसे लड़की हो तो लड़कियों को बाहर जाने पढ़ाई करने के लिए मना हो रहा। छात्र और अभिभावक दोनों स्कूल प्रबंधक के इस रवैये से परेशान है। हालांकि इस विषय में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रशासन के नॉर्म्स साफ किए और जरूरत के मुताबिक सीट्स बढ़ाने घटाने की बात कही। बेसिकली अभी हम 13 स्कूल को अपग्रेड किए हैं, पेटरवार से सटे हुए स्कूल दांतु को भी अपग्रेड किए हैं, पुरदाना को भी अपग्रेड किए हैं, और ऐसे 128 सीट का एक सेक्शन होता है जो मान्यता मिली हुई है, आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाया भी जाता है। फिर भी कहीं पर भी बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो हम लोग उनको कह सकते हैं कि आपके नजदीक स्कूल खुला है, लेकिन एडमिशन में ऐसा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका डायरेक्शन भी हमारे द्वारा दे दिया गया। जब इन्हीं नॉर्म्स का हवाला देते हुए न्यूज इंडिया की टीम स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंची, तो प्रिंसिपल रिपोर्टर पर ही भड़क उठे और कैमरा ही छीनने लगे। आप बंद कीजिएगा, कैमरा छीनिएगा, आप बंद कीजिएगा, आप बंद कीजिएगा, कैमरा छीनिएगा, आप बंद कीजिएगा। ऐसे में सोचा जा सकता है, जहाँ के प्रिंसिपल खुद ही दादागिरी पर उतर आए हों, जहाँ के प्रिंसिपल खुद ही शिक्षा के अधिकार का हनन करते हों, वहाँ सरकार का नारा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया महज कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बोकारो एक मंत्री का क्षेत्र है। मंत्री के क्षेत्र में बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र से मंत्री हैं, तमाम सुविधाएं यहां पर हमें मिलेंगी। क्या चाहते हैं? शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है, वो भी बोकारो में। कहा जा रहा है सीट फुल हो गई है। लड़कियों की बात भी हमने आपको सुनाई, लड़कियां कह रही, हमारे घर वाले कह रहे हैं यहां अगर एडमिशन मिले तो लो, बाहर हम जाने नहीं देंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, बड़ी मुश्किल में है बच्चे,
और हम जिला शिक्षा अधिकारी की बात भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे अपग्रेड किए गए हैं, सीटें बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती हैं। फिर इसमें दिक्कत प्रिंसिपल को क्या है, वो क्यों कैमरा छीन रहे हैं, क्यों मीडिया से बच रहे हैं? देखिए रजनी, जिस प्रकार से देश में ये कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और ऐसे में प्लस टू में अगर बच्चियों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है ये कहकर कि हम 130 मात्र ही बच्चों का एडमिशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए, जो राज्य गरीबों के लिए बना है और इस गरीबों जो अगल बगल के रहने वाली बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, काफी गंभीर मामला है। और जहां तक डीओ की बात करें तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये जरूर कहा है कि हम उससे ज्यादा बच्चों का एडमिशन लेंगे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि एक प्रिंसिपल की इतनी दादागिरी चल रही है उस स्कूल में और बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा, और जब कैमरा कोई पत्रकार जाता है तो उसकी कैमरा को बंद करने के लिए हाथ मारा जाता है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य के लिए। शिक्षा व्यवस्था जो दुरुस्त कहने करने की बात करते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे वो राज्य के मुखिया रघुवर दास हो, लेकिन ये जो मामला है वो गरीब मामला है, ऐसे में आखिर कैसे बच्चियां पढ़ेंगी और देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, इस सबसे बड़ा सवाल है। मृत्युंजय, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, सामने तो कह दिया गया सीट फुल हो गई है। देखिए जो ऑन ऑफिशियल बात होती है, जो कम से कम कैमरे में कोई लोग भी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है उस स्कूल में और उनका भविष्य बनाना है, ऐसे में जोरों अंदर खाने ये बात जरूर चर्चा में रहती है कि कुछ ना कुछ जो सुविधा शुल्क की बात कही जा रही है कि अगर जो देगा उसी का एडमिशन होगा, तो ये खुल के बातें सामने नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि आखिर पिछले बार जो सेशन में है वो 500 बच्चों का एडमिशन लिया जा चुका है। ठीक है, इस बार कुछ विद्यालयों को प्लस टू का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ जेएमएम के विधायक भी जुड़ गए हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है योगेंद्र प्रसाद जी न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। सरकारों से बड़ी उम्मीदें होती हैं, यहाँ तो विपक्ष से उम्मीद करनी पड़ेगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे एडमिशन चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, और प्रिंसिपल मीडिया का कैमरा छीन कर गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले तो हम खैर प्रकट करेंगे, अगर प्रिंसिपल का इस तरह का व्यवहार अगर रहा है निश्चित तौर पर निंदनीय है, हम इसकी कितनी भी निंदा करें तो कम होगा, और इसकी जांच करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर हम इसकी जांच करेंगे, और अगर जांच में यह बात सामने आई तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी के साथ इस तरह करने की आजादी, इस तरह के दुर्व्यवहार करने की आजादी और संस्कार रहित शैक्षणिक संस्था के सवारी प्रचार को नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, जहां नामांकन की बात है, अगर चूंकि हमारे संज्ञान में भी हमारे समक्ष भी कुछ बच्चे और बच्चियां आई थी जो शिकायत हमें की थी कि नामांकन नहीं लिया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में हमारे द्वारा प्रभारी प्रचार को दिया गया था और उसकी उस पर कार्रवाई भी किया गया था। और अगर जहां पर सीट फूल की बात है, अगर क्योंकि अगर बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं और बच्चियां और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह दायित्व बनता है, स्कूल प्रबंधन का कि उनको एडमिशन ले और नामांकन करें, और अगर व्यवस्था बैठने की नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो चूंकि हाई स्कूल के अध्यक्ष हम होते हैं और सरकार जहां ये प्लान करती है कि भाई हम बेहतर शिक्षा करेंगे, किसी को ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे, तो इस परिस्थिति में हमारे संज्ञान में उनको देना चाहिए, तो इस परिस्थिति से हम लोग अवगत कराना चाहिए ताकि हम लोग समस्या का समाधान निकाल पाए। और शिक्षा मंत्री नीरा यादव बड़े बड़े दावे करती है, उपलब्धियां गिनाती है, लाइब्रेरी बनेगी, ये बनेगी, भाई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, इस ओर क्या सरकार का ध्यान नहीं होगा? देखिए झारखंड विधानसभा में 2016 में ये सरकार घोषणा की थी, और केवल घोषणा, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार केवल झूठी घोषणा और केवल अखबारों में मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए झूठे बड़े बड़े दावे पेश करती है। जहाँ सरकार कह रही थी 2016 में कि मैं तो हर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का पढ़ाई शुरू करूंगा, आप बताएं कि जिस स्कूल में शौचालय नहीं, जिस स्कूल में बिजली नहीं। योगेंद्र जी हमारे साथ गुणाधार जी भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुणाधार महतो साहब जी। नमस्कार रजनी जी। जेएमएम बार बार ये कह रहा है कि बच्चियों को पढ़ाना है, सरकार विपक्ष सब यही चाहते हैं कि झारखंड की बच्चियां बच्चे सब पढ़े सब बड़े, लेकिन सवाल ये कि आप लोगों के जो स्कूल हैं वहां प्रिंसिपल गुंडागर्दी दिखाते हैं, सीट कहते हैं फुल हो गई है, बच्चियां कह रही हैं, घर के लोग कह रहे हैं कि यहां एडमिशन मिले तो लो हम बाहर नहीं भेजेंगे, क्या सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है, और जैसा कि डीएससी साहब ने भी आपको कहा, अभी मैंने टीवी देख रहा था जी, कि
उनको निर्देश भी दे दिया गया है कि बढ़ा के भी एडमिशन लिया जा सकता है, ऐसा है संज्ञान में। और विभाग के सारे लोग इसमें पैनी नजर रखे हुए हैं। और ये जो प्रधानाध्यापक का महोदय का जो आचरण है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में वो बैठते हैं और बेटियां, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या पूरा देश आज लगे हुए हैं, बच्चियां कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश की भी अच्छी कर रही पढ़ाई में, और इस माहौल में ये अगर ऐसा कर रहे हैं कि एडमिशन नहीं लेंगे तो काफी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो उन पर आप कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अंदर खाने? तो ये भी खबरें आ रही है कि भाई जो चढ़ावा चढ़ाएगा वो सीट पाएगा, बाकी जाइए बाहर। बिल्कुल, उनपे विभाग पैनी नजर, जैसा कि मैं बोला आपको, पैनी नजर रखे हुए है और विभागीय के लोग इनपे कार्रवाई अगर करनी पड़े तो करना ही चाहिए। इस टाइप के लोग से सरकार की छवि खराब होती है, तो ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ खामियां भी बता रहे थे हमारे साथ, योगेंद्र प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, जेएमएम के विधायक जी। योगेंद्र जी, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने कहा कि 2016 में सरकार विधानसभा में इस बातों को चर्चा में लाई थी कि हर स्कूल हर प्लस टू को हम कंप्यूटर शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। हम सरकार को इस बार कई बार ध्यान आकर्षित कराए हैं कि भाई बताओ आप, स्कूलों में बिजली नहीं तो कंप्यूटर क्या हवा से चलेगी, कैसे चलेगी? बिजली की व्यवस्था नहीं है तो सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है शिक्षा के प्रति। और जो केवल गंभीरता अगर दिखाई पड़ता है तो केवल अखबारों में और मीडिया में दिखाई पड़ता है। और रह गया पेट्रोल की मामला, मैं व्यक्तिगत तौर पर कल जाऊंगा, उसकी जांच करूंगा। जांच के क्रम में अगर किसी तरह की कमियां पाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं उस प्रधानाध्यापक को पकड़ने नहीं जा रहा हूँ। बख्शना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो व्यवसायीकरण कर देते हैं, जो शिक्षा का अधिकार का हनन करते हैं। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे इन प्रिंसिपल का क्या इसी तरीके से रवैया रहा है, ये गुस्सा क्यों हो गए? सबसे पहले तो बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कोई सीधा सा सवाल करने जा रहा है जब डीओ साहब, तमाम विधायक जुड़ रहे हैं, ठीक से बात कर रहे हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? देखिए रजनी, जिस प्रकार से बच्चों से बात हुई, चाहे वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो प्रिंसिपल है इनका रवैया गार्जियन और बच्चों के प्रति ऐसा ही रहता है और ये अपनी दबंगई चलाना चाहते हैं। क्या नाम है? तो इनका नाम शमसुद्दीन करके नाम है, इनका बाइट भी हम लोगों ने आपको भेजा है। तो ये जरूर है कि इनकी दादागिरी जो है काफी दिनों से चली आ रही है। और ये पास लौटेंगे, इस वक्त हमारे साथ बोकारो के डीओ जुड़ गए हैं, महीप कुमार सिंह जी। महीप जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी, हम आपकी बात सुन रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमारे संवाददाता ने आपसे जो बयान लिया था, आपने कहा कि अपग्रेड किया गया है, कौन कौन से स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और क्या सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती, प्रिंसिपल को क्यों एतराज हो रहा है, वो 130 पे ही रुक गई है उनकी घड़ी? जी नहीं, अभी जस्ट इस बारे में सारे को आदेश दिया गया है कि बच्चों के एडमिशन पे रोक नहीं लगाया जाए। जहां पर भी बच्चे पढ़ने चाहते हैं वहां पढ़े। अभी हम लोगों ने 13 स्कूलों को भी अपग्रेड करके प्लस टू बनाया है, तो हमारी वहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं जिसको अपग्रेड किया गया है उसमें भी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोगों ने सभी से, बेसिकली गार्जियनों से अनुरोध किया है कि उनमें भी आप वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये चीजों के लिए हम लोगों ने रोक नहीं लगाया है। और सारे स्कूलों को भी डायरेक्शन दिया है कि बच्चे अगर एडमिशन लेने आते हैं तो आए, उनकी सेंक्शन सीट को भी हम लोग बढ़ाएंगे और जो भी उनमें आउटपुट देनी होगी वो हम लोग देंगे। ठीक है, आप लोग की सुन नहीं ले रहे, प्रिंसिपल सुन नहीं रहे हैं, जिन्हें एडमिशन करना है वो तो कदम नहीं रखने दे रहे, कह रहे हैं कि सीट फुल हो गई है, जाइए। नहीं, इस मामले में आज से 4 दिन पहले भी एक लिखित रिपोर्ट उनको दी गई है और इस पे शो काउज भी किया गया है कि किस परिस्थिति में आपने इस तरह की बातें कही हैं। जी, तो अशरफ हुसैन साहब के खिलाफ जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे? पहला अधिकार तो आपको ही है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद विधायक जी हैं और बीजेपी के नेता हैं, फिर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली अगर इस तरह की बातें हैं तो जांच के क्रम में आने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। महीप कुमार जी, क्या वहां का जाकर औचक निरीक्षण भी करेंगे? बच्चे न्यूज इंडिया के सामने कह रहे हैं, लड़कियां तो सीधे कह रही हैं, हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर एडमिशन मिले तो ठीक है वरना पढ़िए नहीं। आप सोचिए बच्चियों के लिए कितना मुश्किल होता है पढ़ना, कई लड़कियां तो इसीलिए छोड़ देती हैं, तो कहीं वो नौबत तो नहीं आ जाएगी? आप लोग जाएंगे वहां पर समझाने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम जो आप लोगों ने कहा है कि अपग्रेड होगा और पढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा? प्लीज,
कि वहां से भी थोड़े दूर में औरदाना स्कूल को भी अपग्रेड किया गया है। हाँ। तो हम लोगों की एक अपील होगी गार्जियनों से तो उन स्कूलों में भी सारी व्यवस्था की गई है तो वहां पर भी एडमिशन लें। और लेकिन अगर कोई बच्चा कहीं पढ़ना चाहता है तो इसमें कहीं भी रोक नहीं है। अगर उसे स्कूल में पढ़ना चाहता है जहाँ सीट फुल हो गई है, खासतौर पर लड़कियों की बात करें, आरक्षण होते हैं लड़कियों के लिए, कुछ खास होगा यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पे जो एडमिशन लेने बच्चे आएंगे उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों को भी हम लोग समान अवसर देते हैं। थोड़ा सा और वक्त आपसे चाहेंगे, बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं गुणाधार महतो जी, डीओ साहब भी कह रहे हैं कि सीटें बढ़ा दी हैं और एडमिशन जहां चाहे वहां, ये प्रिंसिपल जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये किसकी शह मिली हुई है, किस क्या माने हम इतनी शह किसकी? गुणाधार जी, जी मैडम, इतनी शह किसकी मिली हुई है कि वो मीडिया से गुंडागर्दी कर रहे हैं जबकि डीओ साहब भी कह रहे हैं कि हमने कह दिया है कि एडमिशन मिलेगा, अब जिसे करवाना है जो प्रिंसिपल है उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। मैडम ये तो सबसे पहले अगर जितनी भी इस भर्त्सना की जाए इसका वो बहुत कम है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग प्रधानाध्यापक का, जैसा आपके चैनल से पता चला कि वो कैमरामैन को भी फटकार रहे थे, वो तो पहले उनका व्यवहार सुधरना चाहिए। इस टाइप के लोगों को जितना जल्दी हो सके इस पद मुक्त कर देना चाहिए, मतलब प्रधानाध्यापक से हटा देना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस टाइप के लोग से समाज में कहीं ना कहीं छवि सरकार की, समाज की खराब होती है। ऐसे लोग का बने रहना ही समाज के लिए काफी दुखद है। योगेंद्र जी, आप भी क्या यही कह रहे हैं पदमुक्त कर देना चाहिए फौरी तौर पर? सबसे पहले तो प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद एडमिशन की बात। मैं बता देना चाहता हूं मैडम कि कल 1 बजे आप अपने चैनल को भेजें, मैं स्कूल में जाऊंगा, बच्चों से बात करूंगा और वहां पर किसी भी तरह की विसंगतियां, गलतियां अगर पकड़ी गई, देखी गई, सुनी गई, ऑन द स्पॉट कार्रवाई कल होगा, ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर करेंगे। और डीओ को भी हम निर्देश अभी देते हैं कि वो भी कल आवे 1 बजे, उनको भी मैं समय दे रहा हूँ, 1 बजे उनको भी बुलाऊंगा, आपके चैनल को भी बुलाऊंगा। मैं कल 1 बजे स्कूल जा रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि 1 बजे अपने सभी सहपाठी को 1 बजे स्कूल में भेजने का काम। 24 घंटे में आप कार्रवाई कर रहे हैं, दाद देनी होगी कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो भी सत्ता में नहीं है, लोग ज्यादातर कहते हैं हमारी सरकार है, आप विपक्ष में रहते हुए भी कार्रवाई, ऐसे विधायक अगर कार्रवाई करें तो शायद। मैं सरकार से विश्वास नहीं करता हूँ, जनता से विश्वास करता हूँ। सड़क पर आना पड़ेगा, मैं सड़क पर आऊंगा, लेकिन ऐसे घृणित कार्य को माफ नहीं कर सकता हूँ। मैं सड़क पर आऊंगा, मैं सड़क पर आऊंगा। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कल आप चैनल के मीडिया कर्मी को भेजें, तो निर्देश करता हूँ डीओ भी कल उपस्थित रहेंगे, त्वरित कार्रवाई होगा। मृत्युंजय जी, सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं विधायक साहब? देखिए, जिस तरह विधायक जी ने अभी न्यूज इंडिया पर अपनी ये प्रतिक्रिया दी है कि कल ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी, मैं जरूर कल इनकी कार्रवाई में शामिल रहूंगा, उनके साथ रहूंगा और कल इनके जो पूरे जब जाएंगे तो उनकी पूरे खबर को मैं कवरेज करूंगा कि आखिर इतनी तत्परता से अगर वह कार्रवाई करते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए और वहां के बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। और ऐसे शिक्षक प्रिंसिपल जो दादागिरी करते हैं वो, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक जो मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो काफी संजीदा हैं और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी जी गुणाधार जी, अब आपका क्या रोल होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है सरकार कार्रवाई करती है, विपक्ष साथ दे रहा है, या तो विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, अब सरकार का क्या रोल होगा? मैंने कहा मैडम, सरकार इस पे काफी गंभीरता से लिए हुए है, जैसे कि डीओ साहब ने भी अब लाइन पे वो भी बोल रहे हैं कि इस पे कार्रवाई उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा अगर ये ऐसा किए हैं। जांच पे जैसा कि जांच होगी, कल विधायक महोदय भी बोले हैं जांच में जाएंगे, जांच में अगर आएगा तो उनपे कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप मानते हैं कि ये सब गलत हो रहा था? अब ये बड़ी बात है कि कम से कम न्यूज इंडिया सामने लेकर आया तो लोगों को पता चल गया, लेकिन यहाँ पर तो कभी मामले दब जाते हैं, बच्चों की आवाज ही दब जाती है। इसके लिए न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूँ मैं कि एक छोटा से छोटा कस्बा में भी जाके और ये सब आवाज उठा रहे, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देता हूँ न्यूज इंडिया। हम तो यही कोशिश करते हैं कि हम आईना दिखाएं और जो गलतियां हैं उसे कम किया जाए। अब मृत्युंजय, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, सरकार कह रही है, विधायक कह रहे हैं, डीओ कह रहे हैं कि वहीं एडमिशन मिलेगा जहां आपको चाहिए है, हम सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन सवाल वही एक बार फिर से कि प्रिंसिपल को एतराज क्यों है? क्या चढ़ावा चढ़ेगा तभी सीटें मिलेंगी?
देखिए रजनी, जिस प्रकार पिछले सत्र में 500 से अधिक बच्चों का एडमिशन लिया गया, ठीक है, डीओ साहब ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ विद्यालयों को सरकार ने उत्क्रमित किया है, प्लस टू किया है, लेकिन अगर बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आखिर क्या गुनाह करना चाहते हैं? आखिर बच्चियां चाहती हैं कि घर, बच्ची के घर वाले चाहते हैं कि वो बच्ची बगल के ही स्कूल में पढ़े, तो उनका गुनाह तो नहीं है? क्योंकि आए दिन आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं, बच्चियों को घर से लोग जाने नहीं देना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर कोई गार्जियन चाहता है कि बच्ची पढ़े और आगे बढ़े और देश का भविष्य बने, तो इसमें कोई खामी नहीं है। और ऐसे में अगर शिक्षक और प्रिंसिपल का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रहेगा, सरकार के योजनाओं के खिलाफ रहेगा, सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ रहेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रिंसिपल पर तो सरकार और जिला प्रशासन और विधायक जी ये जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं इनको जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर विश्वास जीत लिया जाए तो ये जरूर है कि उस क्षेत्र में काफी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो दांतू का इलाका हो चाहे वो और इलाका हो, काफी बच्चे बड़े बड़े पदों में गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, आयुष फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्षेत्र के भविष्य की बात है और ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए और विश्वास जीतना चाहिए जनता का, क्योंकि गरीब ही के ही बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, अमीर का कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। जी मृत्युंजय, कोई आंकड़ा है क्या कितने बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन वहां पर चाहिए है, कुछ पता है इस बारे में? देखिए जिस प्रकार बच्चे हम लोगों को मिले थे उसमें तो जितने बच्चे थे कम से कम 50-100 बच्चे तो जरूर थे जो एडमिशन की बात कह रहे थे, और अब विजुअल में भी देखे होंगे बच्चे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर प्रिंसिपल कह दे कि हम एडमिशन नहीं लेंगे तो मायूसी जरूर है, बहुत सारे बच्चे घर में जाकर बैठ गए होंगे, तब ये सरकार के लिए चुनौती है, जिला प्रशासन के लिए चुनौती और विधायक जी के लिए चुनौती है कि वैसे क्षेत्र में ये सूचना दें कि विद्यालय में एडमिशन होगा और उनकी उपस्थिति में होगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर आएंगे तो आंकड़ा सही सामने आ जाएगा। अगर 50 भी बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं उस क्षेत्र में, उस बच्चे में, तो कहीं बच्चों के लिए और इस क्षेत्र के लिए काफी उपलब्धि होगी। जी जी गुड़ाधार जी, अब सरकार इस एक घटना से क्या हर जगह पर निर्देश देगी कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर एक जगह ऐसा हो रहा है तो कहीं पर्दे के पीछे भी हो रहा होगा। जी मैडम गुड़ाधार जी, ये तो एक घटना है, हो सकता है कि बाकी स्कूल्स में भी ऐसा हो, क्या इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर सरकार बाकी स्कूलों को भी निर्देश देगी? बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा घटना दोबारा नहीं हो, क्योंकि गांव के बच्चे हैं जिनको ज्यादा इस सब चीज में जानकारी नहीं होती है, तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई व्यवस्था सरकार करे, और मैं इसे शिक्षा मंत्री से भी इस मामले में मिलूंगा कि सरकार का एक विज्ञापन छपे अखबार के माध्यम से, चैनलों में आए कि भाई सारे बच्चे कहीं भी ले सकते हैं, और इस टाइप का व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है विधायक जी, आपसे सवाल ये कि आप कह रहे हैं औचक निरीक्षण करेंगे 24 घंटे के अंदर, लेकिन जैसे हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कुछ बच्चे तो निराश होकर चले गए होंगे, अब उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा कि वो एडमिशन ले, उन तक सूचना पहुंचाना, उन्हें इस बात के लिए एग्री करना है कि आप पढ़िए, यहाँ पे आपसे डोनेशन नहीं ली जाएगी, यहाँ पर आपको जितनी फीस है उतनी ही लगेगी। बात को सुना जाए मैडम, क्योंकि पटरवार एक छोटा सा कस्बा है, और मैं आपके माध्यम से उन अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा, संज्ञान में देना चाहेंगे कि जैसे जितने बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जो घूम रहे हैं, मैंने पूर्व में भी कहा कि मेरे पास कई बच्चे और बच्चे आए थे, उसका अनुशंसा करके हमने दिया था, और वैसे बच्चे जो छूट गए हैं, जो इच्छुक हैं कि हम पटरवार प्लस टू में ही पढ़ेंगे, तो आप कल 1 बजे उन अभिभावकों बच्चों बच्चियों को भेजें, और सबका नामांकन होगा, और अगर बैठने की व्यवस्था नहीं तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जाएगा, यह आश्वासन करते हैं, और इसी के साथ आपको धन्यवाद करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और गुणाधार जी आपका भी शुक्रिया, महिम कुमार जी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, और संवाददाता मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज इंडिया जो चाह रहा है अब पहल रंग ला रही है, और झारखंड में जहां पर एडमिशन नहीं हो रहा था, विधायक जी और सरकार की तरफ से डीओ तमाम लोग ने आश्वस्त किया है कि उन बच्चों को वही एडमिशन मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि कितने जल्दी बच्चों को एडमिशन मिलता है, और कितने जल्दी उस गुंडागर्दी करने वाले प्रिंसिपल पर कार्रवाई होती है। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। बंद कीजिएगा कैमरा, छीनिएगा आप, बंद कीजिएगा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।